आज सीडीपीओ की परीक्षा हुई पूरे बिहार में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सीडीपीओ की परीक्षा ली गई। मेरी टीम ने बारीकी से क्वेश्चन को अध्ययन किया। मेरी टीम में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी एक मेरे स्टूडेंट ही थे, मैथ के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, मेरे जीस पढ़ते हैं, उन्होंने भी मैथ का मदद किया और चार पांच आदमी मिलकर मैंने आंसर को तैयार किया। आंसर एक दो क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं आया, सही पर नहीं पहुंच पाए, इस कारण दो क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन को मैं बारीकी से अध्ययन किया। अभी तक बीपीएससी में हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा में पूछे गए थे प्रश्न, उससे हमें टफ लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में एकदम ट्विस्ट क्वेश्चन था, जो आसान क्वेश्चन कहेगा हमको मात्र 25-30 क्वेश्चन आसान लगा। हर क्वेश्चन ट्विस्ट था, करेंट अफेयर्स भी ट्विस्ट था, इतिहास का क्वेश्चन ऐसा डेप्थ था जो कि इतिहास में जो लोग का डेप्थ अध्ययन किए हुए है उसी क्वेश्चन को बढ़िया से बना सकता है। पॉलिटी और साइंस भी उसी ढंग से क्वेश्चन थे। मेरा उम्मीद है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, लेकिन कट ऑफ पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आपको हम आंसर दे रहे हैं, आपको 100% कसौटी पर कसा हुआ आंसर देंगे। बीपीएससी के आंसर मेरे आंसर में जब मैं देता हूँ तो 2-3 क्वेश्चन को वैरी करता है, ज़्यादा वैरी नहीं करता है। उसी आधार पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैं है, 1 जीप्टो बराबर होता है 10^-21। दूसरा क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल होता है 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है शुष्क मौसम का। अगला क्वेश्चन है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, इसका ऑप्शन ई जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस में एक से अधिक विकल्प इसमें जा रहे हैं, इसके लिए इसका आंसर होगा ई होगा। अगला क्वेश्चन है, नाई की दुकान में दो समतल तल पर रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलोहर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए खंड 2 बार चुंबक जिसके उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है, ये चारों उदासीन बिंदु की संख्या होती है 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिप्लोमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण है उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के विभिन्न द्रव्य घटकों को उपयुक्त पदार्थ में अधिशोषण द्वारा अलग प्रक्रिया कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे में वर्णा अक्षर एक्स का मतलब है अनोन अज्ञात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, वाटर गैस मिश्रण है CO और H2 का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, गैस के कारण उत्कृष्ट एक शीतलन है उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10^-7 मीटर से 10^-10 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय कार्बन का सूक्ष्मतम रूप है, आपको चारों विकल्प दिया है, चीनी चारकोल और अक्रिस्टलीय कार्बन का सूक्ष्मतम रूप है यानी 16वां नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है वह है बर्जीलियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन से रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है? आंसर होगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों के नमी आसान के अवशोषित कर लेता है वह कहा जाता है जल शोषक। कार्बन डाइऑक्साइड में प्रदूषित वायु सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका डैश के अभ्यास से जानवर के क्लोन तैयार किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी अभ्यास से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है कोश का झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, डैश मांसपेशी की हड्डी से जुड़ता है वह है कंडला। अगला क्वेश्चन है,
फूल का डैश से फल बनता है, अंडाशय अंडाशय इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विपद विकांत संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइगीना। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग रोग का सबसे समान वाहक है मच्छी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, गाजर आदमी को खाना चाहिए और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। अगला क्वेश्चन है, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश में पाया जाता है नितंब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है त्वचा, जिसको आप कहते हैं स्किन। अगला क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग चीनी के उत्पादन में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित करंट अफेयर्स, आपको 30 प्रश्न आप साइंस से पूछे गए थे जो बीपीएससी का सिलेबस है, आप हम करंट अफेयर्स पर चलते हैं। करंट अफेयर्स के 31 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है, इसका ऑप्शन डी जाता है, नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास संबंधी प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव नदी पर है, चिनाव नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम किसने शुरू किया था, रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उसने एक राष्ट्र एक राशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित से संबंधित है, प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ का पता लगाया गया है, यह आंसर होगा आपको झारखंड की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा इकलौता शहर है जिसने 2020 में शहर के वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता प्रदान की गई है हैदराबाद। अगला है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित से कौन राजधानी अत्यधिक प्रदूषित है, वह नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, वह मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको जाता है, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता, यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित किया, यूएई संयुक्त अरब अमीरात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य उत्पाद प्रदान किया है, स्कॉटलैंड है। अगला क्वेश्चन क्वाड से संबंधित है, क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, यूएसए भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान है। अगला क्वेश्चन है, आपको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है, नॉर्वे के नोबेल समिति ने नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है नवोदी ओकुंजाइवेला विश्व के प्रथम अफ्रीकी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह थे नाइजीरिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान के नाम को प्रवृत्त करके क्या रखा, इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम साइबेरिया नागरिक विश्व नंबर एक खिलाड़ी होकर किसने जीता, वह डेनिल मेदवेदेव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है, उसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीई सी प्रोजेक्ट क्या है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2020 को भारत के प्रथम किसान रेल दो स्टेशनों के बीच चली थी। देखिए कोविड-19 के दौरान आपको समझा देते हैं, कोविड-19 के दौरान एक्सप्रेस चली थी और देवी लाली मराठ से दानापुर बिहार तक।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया? यह आंसर जाता है 4। अगला क्वेश्चन है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हुआ डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1978 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? एलवर्ट एक्का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 का मैसेज पुरस्कार मिला? वह है रवीश कुमार। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन वुमेन क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड दिया गया? छोटी कुमारी सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस कहां पर किया गया? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, इसमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? यह राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपको पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहन शासकों द्वारा? अगला क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य समाज के पतन का अधिकांश उचित था, यह तब किसने विश्वास नहीं किया था? इसका आंसर उपयुक्त कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक आपको हरिशेर को जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदूर विश्व की सबसे अद्भुत अस्तु है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? वह भारत जावा कला का। अगला क्वेश्चन है राजत्व की और उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है बलबन के बारे में किसने कहा था? जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने प्रथम तुर्क सुल्तान खालिजी धर्म और राज के अधीन लाने के लिए ऐसे घटकों को परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सिद्धांत के रूप में राज के धर्म वृक्ष बनाते हैं? यह शब्द किसने दिया था? यह शब्द दिया था SL श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन के रूप में हम जाते हैं, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्यपूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। RS त्रिपाठी ने मुगल और कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा? जब तक कोई भी लड़का मूल रूप को अच्छे ढंग से अध्ययन नहीं करेगा वह इतिहास का क्वेश्चन बन नहीं सकता। एकदम डेप्थ में लिया गया क्वेश्चन, या लिया गया अकबर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सरकार से नहीं अंग्रेजों ने भी नहीं जितना इस पैठा ने काफी बुद्धिमता का परिचय दिया, शेरशाह सूरी के बारे में किसने लिखा? M.G. किंग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व के द्वारा सरकार ने अपना सब देने का किसे प्राप्त? महात्मा गांधी, रिक्रूटिंग सर्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। इंडिया डिवाइडेड, इस थोड़ा सा क्वेश्चन या राजेंद्र प्रसाद के जाता है, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कितना टॉपर क्वेश्चन, एकदम डेप्थ। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन के साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ की मोड़ आया? यह सब एस गोपाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रस्ताव को वास्तव में कुछ नहीं दिया? यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य को पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के अच्छा अवसर प्रदान किया, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना चाहिए? यह सब किसने कहा? यह सब महात्मा गांधी ने कहा। अगला क्वेश्चन आपको याद है किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इमारत की एक बहुत बड़ा झटका लगा? आजाद हिंद फौज और सैन्य अभियान की शाही भारतीय जलसेना विद्रोह। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन हमें आंसर परफेक्ट नहीं मिला इसलिए 74 क्वेश्चन को हम आंसर नहीं डाला है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था? तो मोगली पुत्तिस। फिर 77 क्वेश्चन बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? देखिए इस पर 1732 भी आता है और 1733 भी आता है, दोनों आंसर, लेकिन हम इसको लिए हैं 1733। इस आयोग 1732 लेता है, 1733 लेता है, ये आयोग पर है, लेकिन मेरे हिसाब से 1733 है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर की नदी 64वीं
नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं, याचना की ब्रिटिश उस बगावत करे, यह भी क्वेश्चन सॉरी नहीं परफेक्ट आंसर नहीं है, हम उसी आंसर को दिया है तो दो तीन क्वेश्चन परफेक्ट आंसर नहीं पहुंचे, उसको हम पास आउट किए हैं। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्राप्त की, दरभंगा के राजा। अगला क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना के शहर में भारत के आंदोलन का उन्होंने मार्ग का दर्शन किया था, इसमें से आंसर ई जाता है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपको है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं, आपको दो नदियां नजर आता है, मार्ले डायनवी है, हीरा न्यूरन है, इसके लिए हम विकल्प ई देते हैं। हैदराबाद साहब आपको दो, इसके भी ऑप्शन जाता है, इसके ई देते हैं सर। निम्नलिखित में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाइना 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करते हैं, विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन पुरंतर प्रवाहित होती है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्नलिखित में किस शब्दावली के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आंसर होगा रेगुर भाई साहब। अगला क्वेश्चन भाई साहब, अगला 2020 भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सर्वाधिक है, चावल धान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में किसे तांबा के सबसे बड़ा भंडार है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग में निम्नलिखित मैदानों में किससे निर्मित है, मध्य गंगा का मैदान है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रित है, उपयुक्त कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ क्षेत्र में सबसे कम क्षेत्र बना चाहिए था, यह जाता है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में किसका एक भाग है, या शिवालिक श्रेणी का भाग है। अगला क्वेश्चन आपको आंसर देता है, अगला बिहार की भूमि निम्नलिखित किस नदी प्रणाली जब बाहित होती है, गंगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की बलसुंदरी ताल करैल बलतर पथ निम्न किसके लिए प्रयुक्त होता है, यह भी जाता है ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिले में किसका भूभाग वनाच्छादित नहीं है, यह ऑप्शन ई जाता है। अगला क्वेश्चन आपको है कहलगांव कांटी बाग और नवी नगर निम्न किसके केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 2011 के दशक के निम्नलिखित में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, इसका आंसर ई जाता है। बिहार के निम्नलिखित से कौन वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसका आंसर भागलपुर जाता है। अगला क्वेश्चन आपको है बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया, 1955। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती राबड़ी देवी है, दो बार बिहार के राज्यपाल है, नानक जीत जाता है, सैनिक आपसे ही जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम गैर मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला आंसर देता है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटों में बिहार विधान परिषद की 1 सीट है। देखिए अगर आंसर पहले का लेता है तो VIP में 4 सीट मिला था, एगो आपको मुकेश सहनी विधान परिषद में गया था, इसको आंसर ई लेता है कि सी लेता है। हम बिहार विधानसभा के चुनाव के आधार पर दिए हैं VIP पार्टी, वह आयोग ई भी ले सकता है, आयोग सी भी ले सकता है, लेकिन चुनाव के आधार पर यह इसका आंसर सी होगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आप जानते हैं आंसर ही जाएगा। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था BSP। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल समर्थन में किसने किया था, BSP। अगला क्वेश्चन किस राजनीतिक दल ने पुलिस महिला विधवा संरक्षण बिल 2019 राष्ट्रवाद समर्थन किया, इसका आंसर नवदीप जाता ई जाता है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है, बिहार पंचायत राज मंत्री अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी है। अगला क्वेश्चन अंतरिम चल निधि सुविधा किस समिति द्वारा की गई, नरसिम्हम समिति। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक अत्यधिक सफल प्रयोग किया जाता है, चाइनीज। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन भारत में सम्मिलित है 1995 में। अगला क्वेश्चन मोरवेट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोरवेट एक उत्पाद शुल्क है। अगला क्वेश्चन जाता है रैयत बाहरी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था, थॉमस मनरो, वाह बढ़िया क्वेश्चन दिया है। मैं फिर एक सहकारी संगठन है,
अगला क्वेश्चन है आय की समानता मापी जाती गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। अगला क्वेश्चन है तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया मुद्रा स्फीति जनित मंदी से। अगला क्वेश्चन आपको जाता है अगला इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक है ये इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक लिखा है सी टी कुरियन। बिहार में ग्रामीण साक्षरता किसने बढ़िया क्वेश्चन दिया है 25% 33.1% 38% 47.9% यानी 47.9%। अगला क्वेश्चन झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। आप दिमाग में रखिएगा झारखंड जो बिहार का अभिन्न अंग था वह अभिन्न अंग था झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 2000 इसका आंसर जाता है बिहार झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक। मेरे हिसाब से ए आंसर जाता है यानी 15 नंबर 2000 को अलग हुआ था तो इसका अगर हम 99 देते हैं 15 नंबर 2000 को तो देखिए 99 तो 99 तक अंग था लेकिन 2000 से अंग नहीं था तो इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से ए जाता है। बिहार में तिनकटिया पद्धति कृषि पद्धति पर आधारित थी। आप जानते हैं तिनकटिया पद्धति प्रथा बिहार में आया गया था चंपारण के विषय में। लोकनायक कितना बढ़िया क्वेश्चन लोकनायक के बिना गांधी के बिना क्वेश्चन अधूरा रहता है। जब जब मैं डिस्कस करता हूँ इस बात पर जोर देता हूँ लोकनायक उपाधि दिया था जयप्रताप नायक। अगला क्वेश्चन है बिहार में सतत विकास के लिए राष्ट्र सरकार द्वारा साथ निकलना आरंभ किया गया था 2016 में भैया लेकिन विकल्प 2016 नहीं है इसमें ई जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्ष 2021-22 में बिहार में राजकोषीय घाटा राष्ट्र सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। अगला क्वेश्चन जाता है किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था तो इसमें उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था इसमें नन ऑफ दिस जात बिरसा मुंडा भी है। बिरसा मुंडा मेरे हिसाब से बिरसा मुंडा भी है उलगुलान विद्रोह का बिरसा मुंडा जाएगा यानी सी जाएगा। निम्नलिखित कौन एक आंदोलन के जमींदार थे अवध में हरदोई बहराज आदि किसान। अगला क्वेश्चन है इसमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के देखिए एक अफगान हुआ मारा था लॉर्ड मेयो का कार्ड का 1872 था। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी ने कहा था उन्हें उनके आंदोलन उनकी भेड़िया के साथ फेंक दिया है किसका जिक्र करते थे या कांग्रेस के नेतृत्व का। अगला क्वेश्चन है मुख खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गदर पार्टी के क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन जाता है आपको पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 22 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन है मद्रास में दसवीं पार्टी दस और उनके वजह से द्वेष शासन का प्रो प्रांत में सफल हुआ कोई नहीं नाम जाता है। अगला है कृष्णापल्ली से बदरायन तक सत्याग्रह ने आयोजन किया था ना सत्याग्रह सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह एक से बहुत महत्वपूर्ण सही मायने रखता है। देखिए इनमें दो तीन विकल्प सही लगता है इसलिए इसका आंसर हमको ई जाता है 135 का आंसर 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश करने वाले बुल्लाबाई देसाई। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला सही कालक्रम के अनुसार भारतीय सत्याग्रह में जुड़ी ही घटना को व्यवस्थित के मुस्लिम उद्धार दिवस डाक एक्शन दिवस कांग्रेस मंत्रालय सभा व्यक्तिगत सत्याग्रह इसका पहले ए जाता है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए इसका ऑप्शन ई जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से बिहार के किस नेता ने होमवर्क कमीशन समर्थनार्थी के प्रस्तुत होकर दलितों के मताधिकार की मांग की थी जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शुरुआत किया था उपयुक्त कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना शहर में कहे जाने व्यक्ति ने कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था। अब हम मैथ के विषय में जाते हैं। पहला आंसर है 2368 1944 इसका आंसर होगा 108। अगला क्वेश्चन है पूर्वाहन 4 बजे घंटी सुई और मिनट की सुई की 45 डिग्री इसका आंसर होगा 70 NCN9 है N इसका 17 आंसर 70 अगला इसका होगा 8 और ओपन 416 है इसका आंसर होगा 32। अगला आंसर एक विद्यालय 20 शिक्षक जो गणित बहुत की पढ़ाते हैं 12 गणित पढ़ाते हैं 4 गणित और बहुत की दोनों पढ़ाते हैं कितने से बहुत पढ़ा इसका आंसर 12 होगा। अगला आंसर 5 11 17
का 101वां पद होगा, 605 है। अगला आंसर होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आंसर का सी जाता है माइनस रूट सिक्स और रूट सिक्स बाय टू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 3x माइनस y इक्वल टू 4, इसका आंसर 2 और 2 जाता है। अगला क्वेश्चन 114 है, 35 प्लस 27 होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 होल स्क्वायर बाय 35 माइनस 27 का, इसका आंसर 2 जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन में पढ़ा हो, एक गांव की जनसंख्या 16,500 यदि वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि बढ़ती है तो जनसंख्या कितनी होगी, 19,965। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्रिय दोस्त, मैंने आपको 150 क्वेश्चन का आंसर पढ़ा। अपने हिसाब से मेरी टीम ने एकदम कसौटी पर कसा हुआ आंसर दिया। 2-3 क्वेश्चन को मैं नहीं कर सकता, आयोग क्या लेगा, और 2-3 क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया तो परफेक्ट पर नहीं पहुंचा। अभी भी कहता हूं, जो हाल फिलहाल में BPSC जो पूछी गई परीक्षा है, हम 64वीं से बात करते हैं, 63वीं से बात करते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन था। कटअप जब तक मैं लड़कों से नहीं पूछूंगा, कटअप बोल देना बेवकूफ़ी होगा, कितना जाएगा क्या जाएगा। कटअप को फिर मैं 1-2 दिन के बाद आपको दूंगा पर कितना कटअप जाएगा। अगर आपको इसमें क्या किया जाए, आपको आंसर अच्छा लगेगा, पढ़िएगा मेरे चैनल Pathfinder by BSR, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बजाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा कोचिंग चलता है राजेश पथ में 20 वर्षों से, BS सेंटर है, उसे अच्छे फैकल्टी भी है, GSPT का मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, मेंस की तैयारी योग टीचर के द्वारा करवाया जाता है। आंसर को जरूर मिलाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपको आंसर लगे कोई आपको सस्पिशन तो कमेंट्स कीजिएगा, आंसर को सुधारा जा सकता है, 1-2 आंसर को जो आपको अच्छा लगे उस पर हम कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले जो परीक्षा आता है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर अपने सभी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।